देश दुनिया में दो बड़े डिटेंशन सेंटर हैं, एक अमेरिका में है और एक हम बना रहे हैं। उस पर वो गर्व करते हुए बता रहे थे। वहीं पास में जो खड़ी हुई मजदूर औरतें थी वो डर के बता रही थी कि हमारा नाम नहीं आया, लेकिन हम इनको इसलिए नहीं बता रहे कि कहीं हमारा काम नहीं चला जाए। वो अपने लिए खुद जेल का निर्माण कर रही हैं। इस प्रकार के विकसित भारत में हम रह रहे हैं। खबरों में बने रहने के लिए फोरम 4 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। सबसे पहले हम लोग बहुत सारे स्टूडेंट्स से मिले और उन स्टूडेंट्स का कहना है कि इस पूरे प्रोसेस में अगर कुछ नुकसान हुआ है तो हमारे एजुकेशन का हुआ है। मतलब ज़्यादातर बच्चे जो थोड़े बहुत भी पढ़े लिखे हैं वो डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट करने में, फॉर्म भरने में, उसमें उनका वक्त गया। एक बच्चा मिला जो गुवाहाटी यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट है, इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहा है। उसकी पूरे फैमिली में तकरीबन 44-45 लोग हैं। सबका नाम आ गया लेकिन उसका नाम नहीं आया। तो अब लोग उस पर कमेंट कर रहे हैं कि यार तुम तो पढ़े लिखे थे, पढ़ लिख के क्या फ़ायदा। तो वो जो स्टूडेंट्स ट्रॉमा में जी रहे हैं वहाँ पे, वो एक बहुत अहम पहलू है जिससे लगता है कि हमको सोचना चाहिए। दूसरा पहलू है कि जो वहाँ की महिलाएं हैं, अब सोचिए कि बाप और माँ जो है वो NRC में उनका नाम है लेकिन बच्ची का नाम नहीं है, औरतों का नाम नहीं है। कई सारी ऐसी फैमिली से मिले जिसमें बच्चियों का नाम नहीं है। एक फैमिली ने हमें बताया कि उनकी बच्ची जब से ये सुनी है कि उसका नाम नहीं है तो वो एक अजीब सी ड्रामा में रही है। घर पे आती है और एक कोने में दुबक के बैठ जाती है, बच्चे उसका मजाक उड़ाते हैं कि यार तुम्हारा नाम NRC में नहीं है, तुमको यहाँ रखा जाएगा जेल में। तो इस तरह का जो बच्चों का ट्रॉमा है वो हमें लगता है कि उसको हमें समझने की ज़रूरत है। महिलाओं का जो ट्रॉमा है उसको हम लोगों ने देखा। फिर आसाम में सिर्फ 6 जिलों की बात की जाए तो वहाँ पे 1145 लोग जेलों में रखे गए। डिटेंशन सेंटर अभी बना नहीं है, अभी बनने के प्रोसेस में। एक बार बड़ा भी बन रहा था, हम लोग गए थे और वहाँ भी कई ऐसे मजदूर मिले जो वहाँ पे काम कर रहे हैं और उनको ये पता होते हुए भी कि शायद हमें ही यहाँ रखा जाए। उसके अलावा बहुत सारे मजदूरों ने कहा कि ऑलमोस्ट यहाँ पे 80% मजदूर ऐसे हैं जिनका नाम नहीं आया लेकिन वो बोल नहीं रहे, इसलिए कि उनको ये डर है कि शायद हमें जो काम मिला हुआ है यहाँ पे मजदूरी कर पा रहे हैं, पेट पाल पा रहे हैं, वो शायद हम नहीं कर पाएंगे, हमें यहाँ से निकाल दिया जाएगा। तो 1145 लोग जो है वो 6 जिलों की हम सिर्फ बात करें, अगर ग्वालपाड़ा, कोकराझाड़, सिलचर, डिब्रूगढ़, जोरहाट, तेजपुर में, तो 1145 लोग जो है वो डिटेंशन सेंटर में है। इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट पहलू आया कि जब लोगों को जेल में डाला गया तो जाहिर सी बात है कि उनको फॉरनर डिक्लेयर किया गया था, डिवोटर डिक्लेयर किया गया था। उनमें 25 लोगों की मौत हो जाती है और 25 लोगों की जब मौत हो गई तो उनकी बॉडी को, डेड बॉडी को इंडियन एड्रेस पे ही डिलीवर किया गया। यानी उसको मरने के बाद भले वो अपनी ज़िंदगी में इंडियन नहीं कहला पाया लेकिन मरने के बाद जो है वो फॉरनर जो था वो भारतीय हो गया और उसकी बॉडी को उनके एड्रेस पे डिलीवर किया गया। हमारी कई लोगों से मुलाकात हुई जो डिटेंशन सेंटर में रह के आए थे। आप अभी डॉक्यूमेंट्री जब देखेंगे तो उसमें कुछ लोगों के बाइट्स हम लोगों ने यूज़ भी किए और बहुत सारे लोग उस हालत में नहीं थे कि हम लोग उनको शूट कर पाए, उनका वीडियो बना पाए। अब एक बंदा जो हमें मिला बस्तु अली, वो जेल में रह के आया। उसकी दूसरी कहानी ये थी कि लॉयर किस तरह से लूट रहे हैं। अब सोचिए कि एक गरीब आदमी का नाम अगर आ गया तो वो तो खुद से फॉर्म तो भर नहीं सकता है, उसको लॉयर चाहिए। अब वहाँ पे FT में एक बार उसने अगर अपील कर दिया फॉरेन ट्रिब्यूनल्स में, वहाँ से भी अगर नाम नहीं आया तो उसके पास दो ही ऑप्शन है, या तो वो हाई कोर्ट जाएगा या वो सुप्रीम कोर्ट जाएगा। तो वहाँ जाने के लिए लॉयर्स भी चाहिए। तो उसके लॉयर ने उसको धोखा दिया और उसका फॉरनर उसको डिक्लेयर किया गया, उस जेल में था। उसने अपनी जो दास्तान सुनाई कि एक ऐसा कमरा जिसमें मैक्सिमम 20 लोग रह सकते हैं, उसमें हम 50 लोग थे, सिर्फ डेढ़ हाथ जगह हमें दी गई सोने के लिए, खाने को कुछ नहीं मिलता था। 50 लोगों, इतने बड़े जेल में जो है वो जहाँ एक कमरे में 50 लोग रह रहे हैं उसमें सिर्फ बाथरूम 3 है, टॉयलेट 3 है वहाँ पे। तो उसकी जो ट्रॉमा है, उस ट्रॉमा में उसकी माँ जो है वो डेथ कर गई। उसके जेल जाने के बाद उसकी माँ डेथ कर गई। वो कह रहा है कि हम सुसाइड कर लेंगे, हम आत्महत्या कर लेंगे लेकिन हम वापस डिटेंशन सेंटर में जेल में नहीं जाएंगे। तो इस तरह की प्रॉब्लम जो है वो सिर्फ बस्तु नहीं झेल रहा है, वहाँ पे इस तरह की प्रॉब्लम साहब फैमिली भी झेल रही है। इस तरह की फैमिली जो है वो अमित कुमार भी झेल रहा है और हर तरह के लोग झेल रहे हैं। तो कई तरह की चीज़ें आई सामने। हमें लगता है कि ये रिपोर्ट जब आप देखेंगे उसमें काफ़ी लोगों के टेस्टिमोनियल्स से स्थिति आपको शायद समझ में आए। शुक्रिया आप लोग। ये एक सारांश था जो बताने की कोशिश करी गई।
लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट सवाल इस इंडियन जुडिशियल सिस्टम पे है कि कौन आदमी इंडियन है या नहीं है, उसमें वो लोग तय करेंगे जो फॉरेन ट्रिब्यूनल के मेंबर है। सबसे बड़ा सवाल है कि वो फॉरेन ट्रिब्यूनल के मेंबर का क्या एलिजिबिलिटी और क्या क्वालिफिकेशन है। सिर्फ 7 साल के रजिस्ट्रेशन पे, सिर्फ 7 साल के रजिस्ट्रेशन पे किसी भी आदमी की जिंदगी और मौत का सवाल डिसाइड करने का आपको मौका दिया जाता है, और साथ में आपको एक ऑफर दिया जाता है कि 85,000 रुपये महीना आपको तब मिलेंगे 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट आपका जब पूरा होगा, जब आप ज्यादा से ज्यादा लोगों को विदेशी घोषित करो। ये साफ साफ एक फैसला हुआ, 9 वो लोग जो फॉरेन ट्रिब्यूनल के मेंबर थे, जब उनका कॉन्ट्रैक्ट नहीं बढ़ाया गया तो उन्होंने हाई कोर्ट में एप्लीकेशन डाली, और हाई कोर्ट में सरकार ने कहा कि आपकी परफॉर्मेंस नहीं अच्छी थी। तो जुडिशियल सिस्टम में यह देखा जाएगा कि जज ने विटनेसेस के हिसाब से, सर्कमस्टेंशियल एविडेंस के हिसाब से फैसला दिया है या कन्विक्शन कितना किया है। कन्विक्शन के हिसाब से जितने नंबर ऑफ कन्विक्शन आपके ज्यादा होंगे तब आपका कॉन्ट्रैक्ट बढ़ाया जाएगा। ये फॉरेन जो फॉरेन ट्रिब्यूनल्स के मेंबर हैं उनका कंपनसेशन जल्लाद के जैसा हो गया कि जल्लाद जितनी फांसी देगा उसको उतना इंसेंटिव मिलेगा, वही हाल फॉरेन ट्रिब्यूनल के मेंबर के साथ है। अब जब ये 19 लाख लोग फॉरेन ट्रिब्यूनल में जाएंगे तो उनके साथ क्या होगा। ये पूरे फॉरेन ट्रिब्यूनल्स में न्यूपोटिज्म हाई है। कई सारे रजिस्ट्रार की वाइफ फॉरेन ट्रिब्यूनल्स की मेंबर है, कई सारे हाई कोर्ट के जजेस के परिवार के लोग फॉरेन ट्रिब्यूनल्स के मेंबर हैं, कई हाई कोर्ट के एडवोकेट्स हैं उनके परिवार के लोग जिन्होंने कभी प्रैक्टिस नहीं करी आज तक किसी एक किसी कोर्ट में, किसी वकील ने उनको किसी मुकदमे की सुनवाई करते हुए नहीं देखा, वो फॉरेन ट्रिब्यूनल्स के मेंबर हैं। ये फॉरेन ट्रिब्यूनल्स के लोग 19,67,000 लोगों के भविष्य का फैसला करेंगे। सबसे बड़ा सवाल इन फॉरेन ट्रिब्यूनल्स के ऑपरेशन पर है। दूसरा सवाल यह है कि जिस एनआरसी की बात पूरे देश में करी जा रही है वो सिर्फ इसलिए करी जा रही है कि लोगों को ये लगता है कि एनआरसी मुसलमानों को ठीक करने का कोई एक नया टूल है। उनको ये समझना चाहिए कि एनआरसी में मुसलमानों गायब हुए हैं तो बंगाली हिंदुओं के भी नाम गायब हुए हैं, उसमें नेपाली गोरखाओं के भी नाम गायब हुए हैं, और उसमें असमिया बोलने वाले लोग भी कुछ गए हैं, और तमाम लोग ऐसे हैं जिनके परिवार का कोई आदमी आ गया है, कोई आदमी नहीं आया है। तो अगर योगी आदित्यनाथ जिन्होंने कल उत्तर प्रदेश में कंग्रेचुलेट किया था वहां के लोगों सरकार को एनआरसी कराने के लिए, या खट्टर साहब जिन्होंने कल कहा था कि हम हरियाणा में एनआरसी कराएंगे, तो उनको ये समझना चाहिए कि एनआरसी में 95% लोग बिलो द पॉवर्टी लाइन वाले हैं जो अपने डॉक्यूमेंट अपना केस प्रेजेंट नहीं कर सके। उनको ये समझना चाहिए कि हिंदू मुस्लिम प्ले करने का कोई चीज नहीं है। आपको वो उन लोगों की मनोस्थिति समझनी पड़ेगी जिनके खुद के नाम एनआरसी की लिस्ट में गायब हो गए और वो अपने लिए डिटेंशन सेंटर का निर्माण कर रहे हैं। उनको मालूम है कि डिटेंशन सेंटर में हमको जाना है। जब हमारे लोगों ने हम लोगों ने उनसे बात करी, जिस जो एक सबसे बड़ा डिटेंशन सेंटर जिसके बारे में आसाम के उस इंजीनियर ने कहा कि देश दुनिया में 2 बड़े डिटेंशन सेंटर हैं, एक अमेरिका में है और एक हम बना रहे हैं, उस पर वो गर्व करते हुए बता रहे थे। वहीं पास में जो खड़ी हुई मजदूर औरतें थी वो डर के बता रही थी कि हमारा नाम नहीं आया, लेकिन हम इनको इसलिए नहीं बता रहे कि कहीं हमारा काम नहीं चला जाए। वो अपने लिए खुद जेल का निर्माण कर रही हैं। इस प्रकार के विकसित भारत में हम रह रहे हैं, और 85,000 रुपए और एक गाड़ी के प्रलोभन में ज्यादा से ज्यादा लोगों को जो है विदेशी डिक्लेयर किया जाए, इस तरह के फॉरेन ट्रिब्यूनल्स का मोडस ऑपरेंडी है। उनका जो मॉडलिटीज है काम करने का कि मैक्सिमम पनिशमेंट हम देंगे तो हमको मैक्सिमम बेनिफिट मिलेगा, ये कानून का अपने आप में मजाक है। दूसरी बात, इस समय पूरे आसाम में 100 फॉरेन ट्रिब्यूनल्स कहे जा रहे हैं, केवल 86 फॉरेन ट्रिब्यूनल्स ऑपरेशनल हैं। 86 फॉरेन ट्रिब्यूनल्स ऑपरेशनल हैं, एक फॉरेन ट्रिब्यूनल एवरेज 64 के आसपास जजमेंट डिलीवर करता है। अभी यह कहा जा रहा है कि हम 100 और बनाएंगे। अगर 200 और बनाते हैं तो केवल फॉरेन ट्रिब्यूनल्स में 19 लाख केसेस को पूरे करने के लिए एवरेज 150 साल लगेंगे। तो 150 साल वो जो 19 लाख लोग कभी कैंप का इंतजार करेंगे या आपके फॉरेन ट्रिब्यूनल का इंतजार करेंगे वो कहां जाएंगे। दूसरी बात ये है कि बेसिक हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल स्पिरिट इस बात पे कहती है कि यू आर इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी, लेकिन आपने उस आदमी के लिए जो बिलो द पॉवर्टी लाइन है, जो भूख से मर रहा है, जिसको खाना में असर नहीं हुआ और उसका एनआरसी में नाम इसलिए नहीं आ पाया लिस्ट में क्योंकि उसके पास पैसे नहीं थे डॉक्यूमेंट बनाने के लिए, या उसके पास वो पेपर नहीं थे, वो
माइग्रेंट लेबर था, माइग्रेंट लेबर विद इन स्टेट था, रहने वाला वो बरपेटा का था, नौकरी वो तेजपुर में कर रहा था, रहने वाला जो है गोलाघाट का था, नौकरी वो गुवाहाटी में कर रहा था, तो उसके पास गुवाहाटी का डॉक्यूमेंट नहीं था। आप उसको राइट टू फूड का राइट नहीं दिला सके, राइट टू एजुकेशन का राइट नहीं दिला सके, लेकिन आपने इंडियन प्रूफ करने का बर्डन उसके कंधे पर डाल दिया कि वो साबित करे कि वो इंडियन है या नहीं। ये स्थिति है, 19 लाख लोग किसी प्रदेश के अंदर जिसकी सिर्फ 3.5 करोड़ 36 लाख की पॉपुलेशन हो, अगर 19,67,000 लोग क्योस में हो, एक परिवार में हम जिससे मिले उस परिवार में 22 लोगों के नाम, 22 लोग उस परिवार में है, ज्वाइंट फैमिली है, 8 लोगों के नाम आ गए, 14 लोगों के नहीं आए। एक ऐसे लोग से हम मिले जिनमें वो महिला जिसका पिता जो है वो 3 बार का एमएलए है और उसका नाम गायब कर दिया गया। तो जब वो उसका यही कहना था कि जब हमारा नाम चला गया तो कितने ऐसे लोग होंगे इनका नाम नहीं होगा।